दोषी आसाराम की अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दरअसल नाबालिग लड़की से रेप के मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में स्पेशल कोर्ट लगाकर आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त सख्त शब्दों में कहा कि मृत्यु होने तक जेल में रहेगा आसाराम। इसी मामले में हॉस्टल वार्डन शिल्पी और शरद को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जैसे ही आसाराम को सजा सुनाई, वह सिर पकड़कर रोने लगा और फिर बोला, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। सजा के बाद आसाराम को जेल की बैरक में ले जाया गया। नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले आसाराम को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के हत्यारों आतंकी अजमल आमिर कसाब और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के केस के बाद ये देश का चौथा ऐसा बड़ा मामला है जब जेल में कोर्ट लगी और वहीं से फैसला सुनाया गया। वहीं इस फैसले के बाद पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि हमें इंसाफ मिल गया है और उन्होंने इंसाफ की लड़ाई में मदद करने वालों का शुक्रिया भी व्यक्त किया। तो आसाराम की बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।